इस वीडियो के नाम बात करने वाले इंडिया वुमेन वर्सेस यहाँ से यूएई वुमेन के बीच होने वाले एशिया कप के मैच के बारे में। ये जो मैच होने लगे आपको 1 बजे दोपहर में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बारिश का कोई भी ज़्यादा चांस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार बांग्लादेश के सिलहत के मैदान के पर अचानक से ही बारिश आ जाती है। ये चीज़ को फोकस करके चलना है। ये जो सिलहत के ऊपर मैच हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से आपको लो स्कोरिंग गेम देखने को मिल रहा है। आखिरी के 5 मैचेस में आपको 110 रन के करीब का ही मैक्सिमम रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया की टीम पहले बल्ले ऐसे कर रही है तो इंडिया की टीम यहाँ पे इजीली आपको 140 के करीब का स्कोर बना करके दे देगी। वहीं अगर यूएई की टीम पहले बल्ले ऐसे कर रही है तो आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे यूएई की टीम जो है मैक्सिमम आपको 80 रन ही बना करके दे पाएगी। तो ये चीज़ को फोकस करना है, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। और हाँ, एक और चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा है, ये जो मैच हो रहा है सिलहत के ऊपर हो रहा है मैदान के ऊपर, तो यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत 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 ज़्यादा मदद मिल रहा है। तो आपको स्पिनर्स को अभी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करना है, चाहे वो आप कोई सी भी टीम बना रहे हो। बात करें यहाँ से आखिरी के मैचेस की, देखो इंडिया की टीम ने 2 मैचेस खेले, दोनों ही मैचेस जीत कर आ रही है, और यूएई की टीम ने 1 मैच खेला, अपना हार कर आ रही है। ये मैच भी इंडिया की टीम के जीतने के 99% करीब चांसेस रहने वाले हैं। एक एक प्ले का पूरा एनालिसिस बताऊंगा, कौन किस नंबर बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने और बॉलिंग करके देगा इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, आप ग्रैंड लीग में कैसे पैसे लगा सकते हो, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो। बस आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। उसके अलावा अगर आपको टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, तो हमारी इसी मैच की खुद की फाइनल टीम से ही हो, जिस टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाने वाला हूँ, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में आ जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने मिल जाएगा। वहाँ भी ना मिले तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाना, वहाँ पर सर्च मारना, जैसे आप सर्च मारोगे @RVD चैंपियन आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने मिल जाएगा, वहीं पर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर अपने 11 प्लेयर पूरे KBC सभी चीज़ों के साथ अपनी फाइव टीम शेयर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से बात करें इंडिया वुमेन की टीम कोर से, जिसमें बल्लेबाज में देखो आखिरी मैच है, मेघाना ने ओपनिंग कर रखा है। मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि अपनी ग्रैंड लीग टीम में मिनिमम अपने GL की टीम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके चलना है, यानी कि GL के लिए बहुत बड़ी प्लेयर रहेगी। और देख सकते हो ओपनिंग करते हुए 69 रन की पारी खेल के दिया हुआ है, क्योंकि आखिरी मैच में भी कमज़ोर टीम के खिलाफ मैच था और इस मैच में भी कमज़ोर टीम के खिलाफ मैच है। तो इस मैच से फिर से बल्लेबाज क्रम में चेंजेस होंगे। आपने आखिरी मैच से देखा, आपने देखा यहाँ से दीप्ति शर्मा ने को भी बल्लेबाज में डिमोट कर दिया गया। हरमनप्रीत कौर जो कि बल्लेबाज में 4 नंबर पाती है, वो अपने के लिए बल्लेबाजी के लिए आई ही नहीं, पूरा मैच निकल गया। जे रॉगरीज जो कि बल्लेबाज में 3रे पे आती है, उसकी भी बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत कमज़ोर टीम के खिलाफ मैच था। अब मौका किसको दिया गया, देखो वो प्लेयर्स को स्मृति मंदाना को खिलाया ही नहीं गया, मौका उनको दिया गया जो कि बल्लेबाज में या तो फिर नीचे आ रहे थे इतने दिन से, या तो फिर उनको ज़्यादा खिलाया नहीं जा रहा था। जैसे कि एस मेघना जिसको खिलाया नहीं जा रहा था, पहले ही मैच आया 69 रन की पारी खेला। सैफाली वर्मा जो कि हर मैच में फ्लॉप हो रही थी, 46 रन की पारी खेल करके एक बार फिर से अपना कॉन्फिडेंस वापस पा ली। ऋचा घोष जिसको एज अ विकेट कीपर खिलाया जा रहा था बल्लेबाज में 7 नंबर पर, उसको प्रमोट करके 33 रन की पारी खेल करके दी हुई है। KP नवगिरे जिसको पहला मैच खिलाया जा रहा था, 1 भी रन नहीं बना पाई है। उसके बाद यहाँ से राधा यादव जो कि एक स्पिनर बॉलर है, 51 मैच में 61 विकेट लेकर का इसका रिकॉर्ड है, और पहले मैच से 3 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट भी मिला हुआ था, दूसरे मैच से 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं मिला। रीज़न आपको मालूम है कि मैच सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर 2 बॉल का हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बारिश आ गई। अब बारिश आ गई तो DL मेथड से वहीं पर मैच ख़त्म हो गया। यही रीज़न था कि राधा यादव को 1 ओवर भी बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। 2 ओवर आपने देखा आखिरी मैच से दीप्ति शर्मा ने किया, जहाँ पे उसको 1 विकेट भी मिल गया, और 2 ओवर बॉलिंग किया राजेश्वरी गायकवाद ने, दोनों ने 2 ओवर बॉलिंग किया, 2 ओवर और 3 ओवर। और उसके बाद 1 ओवर पहला ओवर मेघना सिंह अपना फेंक ही रही थी, वहीं पर 2 ही बॉल फेंक पाई, अब मैच खत्म हो गया। तो ये चीज़ को फोकस करना कि राजेश्वरी गायकवाद जो कि एक स्पिनर बॉलर आपके लिए ज़रूरी प्लेयर रहेगी, दीप्ति शर्मा जो कि एक स्पिनर बॉलर आपके लिए ज़रूरी प्लेयर रहेगी, जे रॉगरीज अगर बल्लेबाज में इसको ऊपर भेजा जाए तो बिना कुछ सोचे आपको लेकर के चलना है, क्योंकि 76 रन की पारी पहले मैच से खेल करके भी दी हुई है, फॉर्म भी काफ़ी शानदार है। मेघना सिंह अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, जो कि फास्ट बॉलर है, पहले अगर बॉलिंग कर रही है तो आपके लिए ज़रूरी प्लेयर रहेगी, मिनिमम 2 विकेट के करीब ज़रूर लेगी, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर टीम के खिलाफ मैच है। अब मैं आपको बताऊँ क्या करना है। देखो अगर आपको फिर से लग रहा है कि यही होगा,
कि अच्छे बल्लेबाजों को नीचे किया जाएगा, जैसे दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, जे रॉगरीज, इन सबको नीचे किया जाएगा, तो आपको क्या करना है? आपको एस मेघना और सैफाली वर्मा को जरूर लेकर के चलना है। अब इसके बाद आपको करना है क्या, बॉलर्स को ले लेना है। बॉलर्स किसको देखो, दी में हेमालता जो कि एक स्पिनर बॉलर है, राधा यादव जो कि एक स्पिनर बॉलर है, दीप्ति शर्मा जो कि एक स्पिनर बॉलर है, और उसके बाद यहाँ से राजेश्वरी गायकवाड़ जो कि एक स्पिनर बॉलर है। चार चार स्पिनर बॉलर है, मैं आपको कहूँ चार से मिनिमम तीन को लेकर के चलना ही चलना है, चार में से तीन को तो लेकर के चलना ही चलना है। अब उसके बाद आपको सोचना क्या है कि अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करे तो मेघना सिंह को भी लेकर के चल लेना है, ठीक है। पहले बॉलिंग करे तो आखिरी क्रॉस पर बॉलिंग करेंगे, वहाँ पर इसको विकेट मिलेंगे। यानी कि आपको करना क्या, अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो इंडिया के ये पाँच बॉलर्स में से किसी चार को लेकर के चलना है, और फिर उसका तीन बल्लेबाजों को लेकर के चलना है। तीन में से दो तो आपके दोनों ओपनर्स हो गए, अब एक आपको या फिर ऋचा घोष को लेकर के चल लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि बल्लेबाजी क्रम ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम पहले की तरह होगा, तो आपको जे रॉगरीज को लेकर के चलना है, जो कि बल्लेबाज में तीसरे पे आएगी, जो कि बल्लेबाज में तीसरे पे आएगी, अगर बल्लेबाजी क्रम ऊपर नीचे ना किया जाए। जिसका इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको शेयर करूंगा, तो ज्वाइन होना मत भूला। मान लो प्लेइंग 11 वगैरह में चेंजेस हो, स्मृति मंदाना फिर से खेले, रेणुका सिंह फिर से खेले, इसने राणा फिर से खेले, पूजा वश्राका फिर से खेले, कुछ भी चेंज होगा तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में शेयर करूंगा, ज्वाइन होना मत भूलना। देखो बस आपसे एक चीज़ कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, नए आए हो और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि 100 जाने का लाइनअप आ जाने का जो भी मेरी फायर टीम होगी, इस तरीके से पूरे 11 प्लेयर, पूरे केवीसी सभी चीज़ों के साथ अपनी फायर टीम टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में शेयर कर दूंगा 100 जाने का लाइनअप आ जाने के बाद। तो ज्वाइन होना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अक्सर सबसे पहले पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना आपके लिए जितना ही आसान है उतना ही जरूरी भी है, फ्री भी है, मस्ट पिक भी होने वाला है, क्योंकि यहीं पे मैं फ्री में अपनी टीम शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो ज्वाइन होना मत भूलना। वहीं अगर बात कर अपने यूएई की टीम की ओर से, जिसमें बल्लेबाज में ओपनिंग करेगी 30 सतीश, क्योंकि इंडिया के पास कोई बहुत बड़ा विकेट कीपर है नहीं, तो आप 30 सतीश को लेकर के चल सकते हैं, जिसका एवरेज आपको 38 के करीब का देखने को मिलेगा। बल्लेबाज में ओपनिंग भी करेगी और विकेट कीपिंग से भी आपको कैचेस पकड़ के दे सकती है। ऐसा रोहित ओझा की बात करूँ, पहले मैच से 2 ओवर बॉलिंग भी किया हुआ है की हुई है और 4 रन बना करके भी दी हुई है, यानी कि ऐसा ऑलराउंडर आपके लिए काफ़ी अच्छी प्लेयर बन सकती है। उसके बाद यहाँ से कब्सा एगोगेस की बात करो, बल्लेबाज का एवरेज काफ़ी शानदार है, 39 का है, लेकिन वो कमज़ोर टीम के खिलाफ है, बॉलिंग से कोई परफॉर्मेंस है नहीं, पहले मैच से बॉलिंग भी नहीं किया है, तो ऐसा बल्लेबाज आप लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो। एन चेरीज को भी आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो, बाकी मैं इसको लेकर के नहीं चलूंगा। सी मुगल जो कि इस समय कप्तानी कर रही है, आखिरी मैच में 2-2 कैच भी की हुई है और बल्लेबाज बॉलिंग से भी 2 ओवर किया, बल्लेबाज में भी 7 रन की पारी खेल करके दी हुई है, कैचेस भी मिल रहे हैं। मान लो अगर इसको एक कैच मिल गया और उसके बाद इसने 15 रन बना दिए और इसके बाद एक विकेट मिल गया तो ईजिली आपको 60 के करीब पॉइंट्स दिला करके चले जाएंगे, बल्कि परफॉर्मेंस कोई अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, कैचेस भी मिल रहे हैं, रन्स भी बना करके दे सकती है, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, तो लेकर के चल सकते हो सी मुगल को। उसका खुशी शर्मा जो कि एज अ बॉलर आपके लिए काफ़ी अच्छी प्लेयर रह सकती है, एक ही मैच पहले मैच से एक ही ओवर बॉलिंग की हुई है, बाकी मैं इसको लेकर के चल सकता हूँ क्योंकि एवरेज इसका काफ़ी शानदार है, 26 मैच 26 विकेट लेकर के आ रही है बॉलिंग से, आप लेकर के चल सकते हो। एम गौर जिसका नाम बल्लेबाजों में, पहले मैच से 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट मिले, बल्कि इसका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, लेकिन पहले मैच से किस्मत अच्छा था, अच्छा परफॉर्मेंस करके आई हुई है। वीर महेश जिसको हमने लिया हुआ था, इसने भी 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट लिया हुआ है, इसको भी लेकर के चल सकते हो, इसका एवरेज भी रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। एस को तो पहले मैच से 4 ओवर बॉलिंग पूरा किया हुआ, आप लेकर के चल सकते हो, 1 विकेट लेकर के आई हुई है। अगर मैं ज़रूरी प्लेयर की बात करूँ तो आप 30 सतीश को लेकर के चल सकते हो, उसका सी मुगल को आप लेकर के चल सकते हो, उसके बाद यहाँ से लेकर के चल सकते हो एम गौर और वी रमेश को। आप इसके अलावा आप किसी को लेना चाह रहे हो तो यहाँ से धर्मी धारका को लेकर के चल सकते हो, पहले मैच से 2 ओवर बॉलिंग भी किया हुआ और आखिरी के उसमें बॉलिंग करके दी हुई है, अगर पहले बॉलिंग हो रही है तो। उसके बाद आप यहाँ से रोहित को लेकर के चल सकते हो, बाकी यहाँ से वो इतनी अच्छी प्लेयर देखने को मिल रही है। मान लो कोई नई प्लेयर खेल रही हो तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं फ्री में टेलीग्राम सर को आपको शेयर कर दूंगा, ज्वाइन होना मत भूला। हमारे टेलीग्राम सर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स इसी वीडियो को देखने को मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो फ्री में। ये मैंने अपने तब के लिए अपनी फैंटेसी टीम बनाई है जब इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी, जब इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी तो मैं इस तरीके की टीम बनाऊंगा, इंडिया के 5 बॉलर्स को ले लूंगा और इंडिया के बल्लेबाजों में सिर्फ ओपनर्स को लेकर के चलूंगा। अब मैं अपनी कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करूँ, अगर इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है
पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आप शेफाली वर्मा और यहाँ से एस मेघना को लेकर के चल सकते हो। लेकिन अगर इंडिया की टीम ने 20 ओवर बॉलिंग पूरा करा है तो यूएई के 10 विकेट गिरेंगे, वहाँ पे इंडिया के स्पिनर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, ये चीज़ को फोकस करके चलना होगा। उम्मीद है दोस्तों एक प्ले का पूरा एनालिसिस बता दिया, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सोने का लाइनअप आने का तो हमारी फाइव टीम से हो टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये एक हमारी इनिशियल टीम है जो कि एनालिसिस के बेस के ऊपर है। जो भी मेरी फाइव टीम होगी वो मैं अपने टेलीग्राम सर्कल में ये आपको शेयर करूंगा, ज्वाइन होना मत भूलना। टेलीग्राम सर्कल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इस मैच के अंदर मैं अपने पूरे पैसे जो है सिर्फ और सिर्फ 11 चैलेंजेस ऐप के ऊपर और कुबेरा ऐप के ऊपर लगा रहा हूँ। 11 चैलेंजेस और कुबेरा दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अभी कभी वहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। रीज़न यहाँ के यूट्यूबर्स को टारगेट करता हूँ जिससे कि भाई टीम के 11 चैलेंजेस और कुबेरा पे जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे फैंटेसी एप्लीकेशन के हिसाब से, तो ये चीज़ को फोकस करके चलना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा लो एंट्री फीस भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप मेरे कहने पर 1000 रुपये लगाओगे तो बिना हारी आपके 100 रुपये चालोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस रुपए। तो 11 चैलेंजेस और कुबेरा दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अभी कभी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इस मैच के अंदर भाई अपने पूरे पैसे 11 चैलेंजेस और कुबेरा पर ही लगाने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।